भैया दिन था आज। खुशबू तू क्या कर रही है यार? क्या मेरी यूनिब्रोज आ गई है। यूनिब्रोज आती नहीं है, आईब्रो बीच की आती है, उसको हम यूनिब्रो बोलते हैं। ओके हाँ, अच्छी नहीं लग रही है। तुम तो पूरी पद्मावती हो रखी हो। ओह माय गॉड, या ये तो मतलब मेरे को तो बहुत ही घटिया लग रही है, क्योंकि मेरे को दीपिका पादुकोण भी पद्मावती की जो उसका यूनिब्रो वाला लुक है, मेरे को इतना ढंग का लगा नहीं है। हाँ, वैसे दीपिका की बात हो रही है तो उसका स्टनिंग लुक है उसमें, पर एक्चुअली अगर पद्मावती की बात हो रही तो यार पद्मावती मुझे समझ में आ रहा है कि सीन चल क्या रहा है आखिर अभी। हाँ यार, ये मैं तो मतलब ऐसा हो रहा है कि ट्विटर पे जाओ, फेसबुक पे जाओ, कहीं भी जाओ, मतलब संजय लीला भंसाली क्यों फंस रहे इन सब में? तो ये कॉन्ट्रोवर्सीज वाला मैटर चल रहा है, मतलब मूवी के प्रमोशन से ज्यादा कॉन्ट्रोवर्सीज चल रही है। संजय लीला भंसाली खुद चाह रहे हैं कि ये कॉन्ट्रोवर्सीज हो और उनकी मूवी का प्रमोशन हो। ओके, जैसा कि हर मूवी में हो रहा है, रामलीला में हुआ, रामलीला को रासलीला किया गया, देन बाजीराव मस्तानी और पद्मावती, मतलब संजय लीला भंसाली की रिपीटेटिव एक वो प्रॉब्लम हो रही है कि हर चीज में, हर उनकी एक मूवी में कॉन्ट्रोवर्सीज आ रही है। किसी ना किसी बहुत यहाँ पे पहुंच गया है। एग्जैक्टली exactly, इस मूवी में कॉन्ट्रोवर्सीज बहुत स्टार्टिंग से शुरू होके और बहुत लेवल तक जाके खत्म हो रही, मतलब अभी एक महीना भी नहीं बचा उसकी रिलीज को और कॉन्ट्रोवर्सीज चलती जा रही है। पहले वो चप्पल वाली कपड़े भार दिए और थप्पड़ मार दिया, क्या है मतलब ये, और कुछ काम नहीं बचा गया लोगों को। और उसके बाद साथ ही साथ वो जो ग्रुप है जो ये सब करना चाह रहा है, ऐसा लग रहा है कि वो लोग भी है ना, मतलब अपने आप को दिखाने के लिए कि हाँ भाई हम भी एग्जिस्ट करते हैं इस दुनिया में, तो उन्होंने ये कदम उठाया होगा शायद। मुझे लगता है कि वो जो सेना है, डेट करनी सेना, अभी तक तो करनी सेना को कोई जानता ही नहीं था, नहीं जानता था। और ये पद्मावती के बाद करनी सेना को हर कोई जानता है, तो मुझे लग रहा है ये जान पूछ के किया जा रहा है। और जहाँ तक ये लोग एकदम ऐसे हो रहे हैं ना कि पद्मावती की फेक स्टोरी बताई होगी, या हो सकता है कि इसमें पद्मावती और ये खिलजी की लव स्टोरी बताए, कहाँ दिखाए ट्रेलर में बताओ मेरे को, कहाँ ट्रेलर में दिखाए तुमको कि उनकी लव स्टोरी बताई जा रही है? दो ऐसे पर्सपेक्टिव बन रहे हैं कि एक तरफ ऐसा हो रहा है कि कॉन्ट्रोवर्सीज बिना किसी रीजन के चली जा रही है। ऑब्वियसली बात है कि ट्रेलर में ऐसा कहीं नहीं दिखाया गया है, जबकि सेना और जितने भी संघ है जो इस पे विवाद खड़ा कर रहे हैं, उन लोगों का पॉइंट सिर्फ एक ही है कि आपने इसके इतिहास के साथ खिलवाड़ किया है। बट अभी तक ऐसा कुछ ट्रेलर में भी नजर नहीं आया और हम ऐसा कुछ बिना सबूत के कह भी नहीं सकते, तो ये भी समझ में नहीं आया कि इतना बड़ा विवाद किस बात पे खड़ा हो रहा है। पता नहीं, पर जरूर संजय लीला भंसाली तो भयंकर फंस चुके हैं अब। एग्जैक्टली, तो ये दो पॉइंट्स बन रहे हैं, हर तरफ बन रहे हैं, सिर्फ हमारे बीच नहीं, हर तरफ बन रहे हैं कि एक तरफ इतनी कॉन्ट्रोवर्सीज के बीच कुछ लोग बोल रहे हैं कि भैया हमारा तो क्रेज बिल्कुल खत्म हो चुका है, अब तो नहीं देखना, और एक तरफ ऐसा हो रहा है कि यार इतना विवाद किस बात पे, मतलब ऐसा है क्या इस फिल्म में कि हमें देखना चाहिए? तो एक तरफ ये चीजें चल रही हैं उसमें, और अगर ऐसा नहीं हुआ, बहुत ज्यादा क्लैशेस हो गए या बहुत सारी चीजें हो गई, तो मूवी कितनी ज्यादा चलती है, कितना फ्लॉप जाती है, और अगर राजस्थान और गुजरात में ये बंद हो रही है तो कौन देखेगा? मतलब पूरे देश में चल भी जाएगी तो दो राज्य बहुत बड़े राज्य हैं, बहुत चीजें कवर कर ही लेंगे अगर गुजरात राजस्थान में नहीं होती तो। इतना तो संजय लीला भंसाली पे भरोसा है, एक्चुअल में ओरिजिन वहीं का है, राजस्थान चित्तौड़गढ़। तो बिल्कुल सही बात है, अगर वहाँ पे रिलीज नहीं हुआ, वहाँ के लोग नहीं देखेंगे जहाँ की ये बेस्ड मूवी है, तो फिर क्या फायदा रहेगा? मतलब इतनी बड़ी फिल्म बनाने का, इतना मेहनत करने का, इतने साल अपने बिगाड़ने का, इतनी रिसर्च करने का, इतनी सारी चीजें करने का, और मतलब जब से शूटिंग चालू हुई है तब से लेके अभी तक का इतना माहौल क्रिएट करने का क्या फायदा रहेगा? वैसे कोपल कुछ ज्यादा सीरियस होगी इस टॉपिक को लेके। ठीक है, इस टॉपिक को हम यही खत्म करते हैं। तो मैं हूँ कोपल हितावल, ये है हमारे साथ कोयल टुटेजा, और ये है हमारी खुशबू जैसानी। तो अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो पसंद आई तो इसको प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, आप अपने पॉइंट्स बताइए, अपने व्यूज बताइए कि आप क्या सोचते हैं इस बारे में, और हमारे चैनल वेब दुनिया हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।